हमारे टीवी 11 न्यूज चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। आदाब नाजरीन, टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। कारवान कंसेंसी कांटेस्ट बीजेपी एमएलए अमर सिंह ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, उनकी जुबानी हम सुनते हैं। उन्होंने टीआरएस पार्टी और पुलिस के ऑफिशियल पर कई इल्जाम लगाए हैं। वो क्या कहते हैं, उनकी जुबानी ही हम सुनते हैं। सिंपैथी बताने के लिए ये लोग है ना, ये लोग यानी कोई दूसरी पार्टी का कुछ करना, ये लोग ऑफिसर्स है ना, ये लोग है ना, इनको खुश करने के लिए ये लोग करे। हमारा भाजपा रैली का परमिशन, सारे परमिशन के साथ ही हम काम करें, कोई हटके हम कोई काम। इसका मतलब ये है कि प्रेशराइज करने के तेलंगाना और इनके जो सपोर्टर्स है, इनके भाई पार्टनर्स जो है इनके, एक जना भाई बोलता मेरा मामू है, एक भाई बोलता मेरा चीचा है, बोलता इनके क्या है हमको तो नहीं मालूम है, मगर ये सारे के सारे ये लोग कैसे हाथ, इनको आखिरी तक भी है ना अपने डंडे आजमा के है ना, ये लोग जबरदस्ती के जीत रहे हैं, इसे हटके कुछ भी नहीं। ये सारे के सारे अगर सही तरीके से अगर पोलिंग हुआ, सही तरीके से इलेक्शन हुआ तो नामुमकिन है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी नहीं आते। एक बात बोलो, मेरे को क्या बोलते हैं उन्होंने, वही आपको वही भाई आपको बैंड ओवर करते हैं, आपको है ना, आप इलेक्शन में ना आपको ऐसा करे वैसा करे, इलेक्शन में प्रचार जे हो, इससे उनकी जो काबिलियत है, उनका जो सिंपथी है वो देख के सारे के सारे पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से घबराए हुए। अब इनको कैसा रोकना, इनका विजय रथ को कैसा रोकना बोल के ये लोग नया बहुत चेहरा करके नहीं नहीं चाहते। अभी देखिए आज कली का हमारा एक नया हिंदुस्तान, नया विश्व में नया हिंदुस्तान बोल के मोदी जी ने एक सैटेलाइट ऐसा बना, ऐसा छोड़ा है कि जो विश्व की चौथी ताकत हम बन गए। सो है ये सारे चीज़ें देखकर जो सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं करते, जो जो लोग पैसे से जबरदस्ती से हर गलत रूल्स पे अपना के कैसा हम है ना जीतना बोल के जो चलते हैं, वो लोगों की ताकत मिटने वाली है बोल के है ना, ये मालूम हो गया आपको। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो लास्ट टाइम मैं जो क्या अभी यहाँ से कैंडिडेट था, मैं यहाँ पर जो करा वो शांतिपूर्वक कैंपेनिंग, एक भी है ना एक भी छोटा सा इंसिडेंट नहीं हुए सर का। हम लोग को बहुत अच्छा मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कैंपेनिंग कर बहुत अच्छा वोट यहाँ से हम लोग हासिल करें सेकुलरिज्म के ऊपर। ये सेकुलरिज्म को फॉलो करने के वास्ते हम हर वक्त है ना आगे बढ़ के है ना, हम हर मजहब हर जाति की हम है ना इज्जत करते हैं, सबका साथ सबका विकास ही हमारा नारा है। మా టీవీ 11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. నాజరీన్, ये थे आज की उर्दू खबरें। तेलुगु और उर्दू खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज के लिए और खसूसी प्रोग्राम के लिए देखते ही रहिए टीवी 11। मैं हूँ सैयद हबीब, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।